यूनिवर्सिटी में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में एग्जाम को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ, इसी के चलते इंदौर कांग्रेस कमेटी के द्वारा यूनिवर्सिटी में विरोध स्वरूप अंगद का पैर ज्ञापन के तौर पर रजिस्टर अनिल शर्मा को दिया। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि यूनिवर्सिटी अगर ऑफलाइन एग्जाम करा रही है और इस दौरान कोई छात्र पॉजिटिव आता है तो कांग्रेस पार्टी यूनिवर्सिटी की ईंट से ईंट बजाने से पीछे नहीं हटेगी। आपको बता दें कि 18 जनवरी से यूनिवर्सिटी छात्रों की ऑफलाइन मोड पर एग्जाम देने जा रहे हैं। इसी से नाराज कांग्रेस कमेटी ने यूनिवर्सिटी में अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने रामायण के पात्र अंगद का पैर यूनिवर्सिटी के रजिस्टर प्रभारी अनिल शर्मा को सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यूनिवर्सिटी में जमकर नारेबाजी की गई। वहीं दूसरी ओर NSUI ने माँ अहिल्या की प्रतिमा के पास बैठकर छात्र हित में उपवास पर बैठे और प्रदेश के 3 मंत्री जो कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं, ऐसे में अगर DAVB में परीक्षा की जाती है तो बच्चे भी पॉजिटिव आ सकते हैं। वहीं NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान ने मांग की है कि यूनिवर्सिटी में छात्रों की ऑफलाइन मोड में एग्जाम होने जा रहे हैं, जिसका विरोध NSUI द्वारा किया जा रहा है। निरंतर छात्र आंदोलन यूनिवर्सिटी में नियमित हो रहे हैं और वो इसीलिए हो रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन कराई जाए, पर विश्वविद्यालय अपनी अधर्मिता लगाकर बैठा है। इंदौर शहर आज कोविड का एपिक सेंटर बन गया है। 2000 से ज़्यादा मरीज रोज कोविड के आ रहे हैं, पर विश्वविद्यालय क्या मालूम कि अपनी अधर्मिता लगा के बैठा है। क्यों बच्चों की जान के साथ वो खिलवाड़ करना चाहता है? अगर वो ऑनलाइन एग्जाम ले लेता है तो बच्चों के भविष्य को बहुत बड़ी सुरक्षा मिल जाएगी। पर इसी के विरोध में आज हम प्रतीकात्मक रूप से अंगद का पांव देने आए थे कि आप अपनी अधर्मिता छोड़ें और छात्रों के हित और भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रवक्ता, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। पिछले 20 दिन से भारतीय युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री जी को सचेत करती आ रही है कि मध्य प्रदेश में कोविड की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज भारतीय युवा कांग्रेस ने इसके स्वरूप मुख्यमंत्री जी से अंतिम बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में उपवास रखकर सद्बुद्धि देने का काम करा है। हम लोग ये चाहते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो जल्द से जल्द निराकरण करते हुए आने वाले समय में छात्रों की ओपन बुक या ऑनलाइन एग्जाम करें या परीक्षा को स्थगित करें। इसके लिए आज भारतीय युवा कांग्रेस ने अपने 3 पदाधिकारियों को, मध्य प्रदेश के 3 मुख्य मंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उनको प्रतीक स्वरूप रखा है। और हम लोग मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन के माध्यम से भी ये सचेत करेंगे कि आपके विभाग के 3 मंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, आप किस प्रकार का मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं? एक और छात्रों को आप मौत के मुंह में डालना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 91 छात्र छात्राएं कोविड से पीड़ित हैं और आने वाले समय में छात्र छात्राओं की संख्या कोविड से पीड़ित होने की बढ़ती जाएगी। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस इसका विरोध करती है। मुख्यमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए हम लोग उपवास रख रहे हैं।